मैं ना प्रीता की शादी टालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लूथरा परिवार और हमारे परिवार में जो गलत हुआ है पहले वो सही हो और उसको सही करने का तरीका मुझे पता है। कैसा तरीका जानकी आंटी? मेरे तरीके से, मतलब मेरे स्टाइल में शर्लिन से मुलाकात। और आपका ये स्टाइल है क्या? जो बहुत पहले मेरी माँ ने किया था। मेरी ताई जी ना मेरी माँ से बहुत नफरत करती थी, बहुत जलती थी, क्योंकि मेरी माँ छोटी बहू थी ना, तो घर में सब उसको लाड करते थे, जो मेरी ताई जी को अच्छा नहीं लगता था। तो ताई जी ना मेरी माँ को सबकी नज़रों में गिराना चाहती थी, इसलिए जब मेरी माँ खाना बनाती थी ना तो उसमें और नमक डाल देती थी। हाँ, तो सबको यही लगता था कि मेरी माँ को खाना बनाना नहीं आता। एक बार तो दिसंबर के महीने में आके ताई जी ने गद्दे में पानी डाल दिया और इल्ज़ाम मेरी माँ पे लगाने लगी। तब मेरी माँ को समझ में आया कि हो ना हो ये सब ताई जी का किया धरा है। तब मेरी माँ ने ताई को ऐसा सबक सिखाया कि वो बिजली के खंभे की तरह सीधी हो गई, फिर कभी टेढ़ी नहीं हुई। जो मेरी माँ ने किया ना वही मैं शर्लिन के साथ करना चाहती हूँ। जानकी आंटी, आपके मामा ने ऐसा क्या किया था, बताइए ना प्लीज। चल मैं बताती हूँ। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। जिंदगी तो क्या, एक दिन में जेल में नहीं बताऊंगी। मैं यहां से भाग जाती हूँ, बहुत दूर भाग जाती हूँ। कहाँ भाग रही थी, किससे भाग रही थी, इस घर से या अपने कर्मों से? कोई जरूरत नहीं है शर्लिन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। Your game is over. मैंने कुछ नहीं किया है। करीना बुआ, खबरदार खबरदार, जो मुझे बुआ कहा तो डोंट कॉल मी बुआ। ऋषभ जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब लोग मुझे गलत समझ। सब लोग? मैं गलत हूं, करण गलत है, प्रीता जी गलत है, सरला आंटी गलत है। डैड, डैड भी गलत। डैड ने खुद तुम्हारे मुंह से सुना है, तुम्हारे मुंह से। जिस गुंडे को तुम अपने साथ में लेकर घूमती हो ना ये सब काम करवाने के लिए, उस गुंडे ने खुद तुम्हारी असलियत खोली है इनके सामने। पापा जी वो Shut up! खबरदार जो मुझे पापा जी कहा तो। कोई रिश्ता नहीं मेरा तुमसे। हे पापा जी, वो गुंडा झूठ बोल रहा है, उससे भी वो झूठ ही बोल रहा था। और आप लोग एक गुंडे का विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो गुंडा उस दिन भी सच बोल रहा था, उसने आज भी सच बोला है, और इस बार मैंने उसे पलटने का मौका नहीं दिया। सर, उससे सारे सबूत हासिल कर लिए और सारे सबूत मैं पूरे परिवार को दिखा चुका हूं, इसलिए इस बार तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से मैंने प्रीता के साथ क्या कुछ नहीं किया, धक्के देकर उसे इस घर से निकाल दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैंने क्या किया, कितना ट्रस्ट किया तुम पे, अपनी फैमिली के साथ तुम्हारी वजह से लड़ती रही, हमेशा प्रीता को गलत साबित किया और तुम्हें सही, और तुमने क्या किया, क्या किया हम लोगों के साथ, इतना बड़ा धोखा दिया हमें। मेरी बेटी का गुरूर तोड़ने के लिए मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाने के लिए
और ये लूथरा परिवार के साथ धोखा देने के लिए। अरे इस डाइन पर हाथ उठाकर अपने हाथ में ले मत करो। मैं तो कहती हूँ इसे अपने मुंह भी मत लगाइए। इसे तो धक्के मार मार के घर से बाहर कर देना चाहिए। तुमने मुझे इस घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी ना, अब तुम देखो कैसे हम सब मिलके तुम्हें इस घर से बाहर निकालते हैं, वो भी कचरे की तरह। फिर जाना अपने कचरे के पास। Shut up! और अपना वॉल्यूम कम कर, वरना मेरे अंदर का सिस्टम हिल गया ना तो तुझे ऐसा करंट मारूंगी कि करके गिरेगी नीचे, और अगर नहीं गिरेगी ना तो मैं गिराऊंगी, समझी? मम्मी जी आप प्लीज इन लोगों को समझाइए ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। इन सबको गलत फहमी हो गई है, इनकी गलत फहमी प्लीज दूर कर दीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, प्लीज मेरी हेल्प की। हेल्प चाहिए तुमको? तुम्हें हेल्प चाहिए? ठीक है, तुम्हें हेल्प भी मिलेगी। पहले ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ तो ऋषभ जी, ये आप ही का बच्चा है, आपको याद है ना उस दिन महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? ओ बेशर्मे, शर्म कर, अपनी दो टके की बातें सोच कर बोल। यहाँ तेरे पे कोई एक कौड़ी कभी विश्वास नहीं करता। अब कहानी करनी बंद कर दे, इसका घड़ा उसके सर पे, उसका घड़ा उसके सर पे फोड़ना बंद कर। ओ तेरे कर्मों का कड़ा तेरे सर पर फूट चुका है। एक गल और सुन ले, पक्का है तू प्रेग्नेंट है, वो भी 3-4 महीने की प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। किसका बच्चा? मुझे सच जानना है। आपका? झूठ, झूठ बोल रही है। मैं बताता हूं किसका बच्चा है। इसके बॉयफ्रेंड का, पृथ्वी मल्होत्रा का, राइट? मुझे इस तरह मत देखो, मेरा दिल नहीं टूटा है और ना ही उस धोखेबाज की वजह से मैं कोई कोना पकड़कर रोने वाली हूं। और रही बात पृथ्वी जी की, तो उन पर मैंने और मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने बहुत विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और ये धोखा उन्होंने हमारे साथ क्यों किया कि तुम हमें बताओगी? ओ छिपकली, आज गलती से भी झूठ नहीं बोलना, नहीं तो काले कौवे की तरह छत पे लटका देंगे। शर्लिन, अब मुंह से जो भी निकले ना सच निकले। हो गया ना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन फॉर अ चेंज आज मेरा हाथ उठ भी सकता है, और अगर उठ गया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। सर आप इसका मुंह तोड़ना और मैं इसकी टांगे तोड़ूंगी, और फिर हम इसे रोड पर फेंक देंगे, बाकी का काम चील कौवे कर लेंगे। करण सर, Just shut up! You shut up! और कान खुल के मेरी बात सुन लो, अगर इसके बाद एक और झूठ बोला ना तो I swear मैं आज तुम्हारी लेवल तक गिर जाऊंगी, और तुम्हारी लेवल तक गिरने के बाद मैं क्या करूंगी ये मैं भी नहीं जानती। पर मैं जानती हूँ मैं क्या करूंगी, और जो मैं करूंगी वो तुम्हें हरगिज पसंद नहीं आएगा। सुना तुमने शॉलिन, आज तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत, मेरा गुस्सा नहीं देखा तुमने। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। पता, पता सच क्या है? पता? आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम? टाइम चाहिए तुम्हें? हाँ, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। Your time is over. चलो इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। चलो, नहीं चलो। किसी ने भी पुलिस को कॉल किया ना तो ये मिडिल क्लास लड़की की गर्दन काट दूं। सारे फसाद की जड़ यही है।
जड़ को ही काट के फेंक दूंगी। चले, नहीं, प्रीता को छोड़ दो। एक इंच भी अगर ये चाकू आगे बढ़ाना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। Put down the knife. Put down the knife. देख निर्लज, अगर इस लड़की को खरोच भी आई ना, माता रानी की कसम, तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। सौदा करना चाहती है ना, सौदा कर मेरे साथ। छोड़ दे इस लड़की को, मैं तुझे वादा करती हूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इस लड़की को खरोच नहीं आनी चाहिए, समझी? तो आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, फटाफट पुलिस को फोन करिए, इसको पुलिस के हवाले करिए अभी। चुप। दिन में सपने देखना बंद करो। मैं तुम लोगों को मौका ही नहीं दूंगी कि तुम लोग मुझे जेल भेजो। क्या जेल जेल कर रहे हो? हाँ, मैं जेल नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बुढ़िया चाची सही कह रही थी, मैं 3.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। और क्या कह रही थी तुम प्रीता अरुणा? किसका बच्चा है? यही जानना चाहते हो तुम लोग? ये बच्चा उस इंसान का जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पृथ्वी मल्होत्रा। झील झील कर रहे हो तुम लोग? अरे अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मेरा बेबी तुम लोगों के हाथ तोड़ के रख देगा। तुम लोग इतने सारे हो, लेकिन वो अकेला तुम लोगों के लिए काफी है। तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारे पृथ्वी जी ने इन लोगों को धोखा क्यों दिया, है ना? क्योंकि वो इन लूथरा से बदला लेना चाहता है। कैसा बदला? पागल समझा क्या? कितनी जल्दी बता दूं किस बात का बदला लेना है? तुम मत बताओ, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा और पृथ्वी का सच सबके सामने आ गया है, और हम सबको पता चल गया है कि तुम और पृथ्वी हमारे परिवार में हमें धोखा देने के लिए आए थे। और धोखा देने वालों को मौका नहीं मिलता है, सजा मिलती है। तो शलिन, तुम अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ना 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 ना, गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि जिसमें सबकी जान बसती है उसकी जान मेरी मुट्ठी में। लेकिन आज तुम लोग मुझे बताओ, इस प्रीता में क्या है जो मुझ में नहीं है? ये राखी, ये पानी दादी, जब देखो तब प्रीता प्रीता करती रहती है। इस घर के राम और लखन, जब देखो तब प्रीता के लिए अपनी जान हथेल में लेकर घूमते। प्रीता, तुम में क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या जादू चलाया तुमने इन लोगों पे, बताओ मुझे। तुम जैसी खतरनाक लड़की को परखने की आंखें हैं मुझ में, अपने परिवार को बचाने की हिम्मत है मुझ में, तुम जैसी तलवार से उन्हें बचाने के लिए ढाल बनने का जिगर है मुझ में, और तुम्हारा पर्दाफाश करने का जुनून है मुझ में। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि ऋषभ जी से तुम्हारी शादी रोक के दिखाओ। शादी तो मैं नहीं रोक पाई, लेकिन तोड़ के जरूर दिखाऊंगी। और उसकी शुरुआत होगी। मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ, उसकी गर्दन पर चाकू रख के उसको मारना चाहती है? मैंने तुझे कहा था कि मेरी बेटियों की ओर देखना भी मत। शेरनियों की माँ हूँ। तेरी वो हालत करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। ये मेरे बेटे ऋषभ को धोखा देने के लिए। ये मेरे पूरे परिवार को चीट करने के लिए। ये प्रीता के साथ इस तरह से बिहेव करने के लिए। इसको मारने पीटने का कोई फायदा नहीं है, इसे वहीं पहुंचाते हैं जो इसकी असली जगह है, जेल। इसका वो पृथ्वी मल्होत्रा पहले से ही बंद है। तू गंदे तालाब
की गंदी मछली, सूखी हुई बटेर, सड़ी हुई कौवी, अरे इसको तो नोच नोच के इसकी बोटियां कौवे और कुत्ते को खिलानी चाहिए। नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा वरना हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। इसको तो चप्पल से मारेंगे हम। नहीं, मारो इसे, मारो चप्पल। नहीं हो सकता शर्लिन, है मौके पर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? पृथ्वी, पृथ्वी का नाम तू ऐसे कैसे ले सकती है? अरे कम से कम दरवाजा तो बंद कर देती। अगर दरवाजा बंद होता और वो महेश लूथरा आ भी जाता तो तुझे मौका तो मिलता कोई स्टोरी सोचने का, कोई स्टोरी बनाने का। तू ऐसे कैसे कर सकती है शर्लिन? इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकती है? एक एक कदम लेकर तू यहाँ तक पहुंची है। आज प्रॉपर्टी के पेपर तेरे हाथों में थे, कल प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाती। इतनी बुरी गलती, इतनी गलती कर सकती तू? पृथ्वी का सपना, उसका बदला, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। पृथ्वी, वाओ अमेजिंग, कितना प्रिटी लग रहा है, कितना सोना लग रहा है। लकी, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर की प्रिटी लेडीज को साड़ीज दिखाओ। एक कॉल आ रहा है, जस्ट रिसीव इट एंड आई विल बी राइट बैक। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेबी। बेबी, हम एक्सपोज हो गए, हमारा राज खुल गया। What? हाँ, वो सबको बता देगा, सबको पता चल जाएगा। तुम प्लीज जल्दी से लूथरा हाउस आ जाओ, प्लीज। आपके बेटे कब आएंगे? भाभी, क्या हुआ? भाई से बात हुई? दीदी, मैं महिषी को ही फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा है। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। हेलो, हाँ राखी जी बोलिए। महिषी, मैंने आपको कितनी बार फोन कॉल किया लेकिन आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया। आपको पता है ना, आज मंदिर में पूजा है, फिर भी आप नहीं आए। पंडित जी कह रहे हैं कि माता रानी की पूजा हो गई है, अब आपकी की पूजा आपके बिना नहीं हो सकती। मैंने पंडित जी को समझाने की कोशिश की कि आप भगवान में ज्यादा नहीं मानते और ना ही पूजा पाठ में, लेकिन वो नहीं मान रहे। आप ही का इंतजार कर रहे। प्लीज मेरे लिए ना सही, पंडित जी के लिए जल्दी से आ जाइए। राखी जी, पंडित जी से कहिए मेरा इंतजार करें। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता। मैं इस थ्योरी में पूरी तरह से यकीन रखता हूँ कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। महेशी, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? हाँ राखी जी, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। हम सब के भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? वो मैं आपको मिलकर बताऊंगा राखी जी। फिलहाल मैं प्रीता के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या आप प्रीता से मिलने जा रहे हैं? लेकिन क्यों? राखी जी, मैं प्रीता के घर उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। जो बर्ताव हम लोगों ने उसके साथ किया था, बहुत ही गलत। राखी जी, मुझे समझ में आ गया कि प्रीता की हमारी और हमारे बेटों की जिंदगी में कितनी अहमियत है। आपने देखा नहीं, करण जो प्रीता का सबसे अच्छा दोस्त, जब से झगड़ा हुआ तब से उसकी क्या हालत है, इतना खोया खोया रहता है। ऋषभ के अपने कारण है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी गलत हुआ है उसे सुधार दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन महेशी, आप राखी जी, मैं आपको कॉल करूंगा पिता से मिलने के बाद। प्लीज अभी आप फोन काट दीजिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा।
महेशी बोल रहे हैं उनको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दरअसल वो प्रीता के घर जा रहे हैं माफ़ी मांगने। डैड वहाँ जाके गलती कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि प्रीता उनकी बेइज्जती ना कर दे कहीं।